नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत बेटियों के पूजन से करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं और बेटियों के लिए तमाम तरह की योजना उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा होगा कि जिस योजना के माध्यम से छात्रावास में छात्राओं को रखा जाता है उस योजना में अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कुसमी महनगढ़ की, जहां पर रहने वाली छात्राओं को बदबूदार खाना मिलता है। छात्रा इस बात को लेकर काफी परेशान थी, लेकिन शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर शिकायत करती तो छात्रावास में कई तरह की परेशानी हो सकती थी। इसी बीच खाद्य सुरक्षा विभाग को एक जानकारी मिली, एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद जिला खाद्य सुरक्षा विभाग प्रमुख राकेश अहरवाल अपनी टीम के साथ छात्रावास पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा जब जांच प्रारंभ की गई तो देखा गया कि यहां जो किचन है वहां से काफ़ी बदबू आ रही है। 75 किलो चावल यहां पर सड़ा हुआ रखा था, जिसमें कीड़े लगे हुए थे। इसी तरह 25 किलो सूजी में अनेक प्रकार के कीड़े सामने दिखाई दे रहे थे। 12 किलो दलिया भी खराब था। कुल 112 किलो खाद्यान्न यहाँ पर घटिया पाया गया, निम्न स्तर का पाया गया। छात्राएं इसे खा रही थीं। बताया जाता कि इसी का भोजन सुबह भी बना था। लगातार बदबू आ रही थी, लेकिन कोई किसी से कहने को तैयार नहीं था। खाद्य विभाग के द्वारा सैंपलिंग की गई है, जिसे टेस्टिंग के लिए पहुँचाया गया है। संपूर्ण जो खाद्यान्न था उसे नष्ट कराया गया। छात्रावास गए थे, किस तरह कमियाँ पाई गई? जिगरा ब्लॉक में ग्राम कुसमी महानगर है, यहाँ पर जो कस्तूरबा गांधी छात्रावास है, यहाँ पर खास सुरक्षा टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। कल हम लोग गए थे वहाँ पर, हमें कई कमियाँ मिली हैं। हमारी सबसे बड़ी है कि भंडारा का स्टोर रूम था, वहाँ पर चावल रखा था, पूरा खुले में रखा था, प्याज आलू जो सब्जियाँ वगैरह होगी थी, साथ में चावलों में पूरी गंदगी बदबू गंदगी, मतलब वहाँ पर रुकना भी मुश्किल था। हमने उसको जब्त कर लिया पूरा और उसका निष्टिकरण कराया, न्यू निशान होता है, और साथ में हमने सैंपल लेके भोपाल भेज दिया। दलिया सूजी भी वहाँ पाई गई है। दलिया भी कम से कम 12 किलो बनाता था और सूजी कम से कम 25 किलो, उसमें पूरे किलो एक किलो। छह छात्रों जो छात्राएं थी वहाँ पे, क्या उनके द्वारा जानकारी दी गई? उनके द्वारा दी गई खाना यहाँ पर बार मिलता है, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं मिलता है। हमने वार्डन को नोटिस हम जारी कर रहे हैं कि आप मतलब कहाँ से ये सामान क्रय करते हैं, अगर प्राइवेट से लेते हैं तो उनके खिलाफ दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर वो फोन कहीं से लाते हैं तो जानकारी देते हैं, फिर नोटिस में जो भी उनका जवाब आए उसके अनुसार आएगी जानकारी। किस वर्ग का ये छात्रावास है, किस समूह? तीनों SC ST OBC। शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत किए जाने पर संपूर्ण मामले का खुलासा हुआ है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लगातार अखबार की सुर्खियां बने हुए हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरह से खाद्यान्न खराब है, छात्राओं को इसका भोजन दिया जा रहा था, इस बात का हम विरोध जरूर करते हैं। ऐसे में देखने लायक होगा दमोह जिले के मुखिया कलेक्टर मयंक अग्रवाल इस संबंध में क्या कार्यवाही तय करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी लापरवाही है, किसी के जीवन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कार्रवाई तो बनती है, कितना वक्त लगता है ये देखने लायक होगा, क्योंकि जिला प्रशासन बिना जांच के कार्रवाई नहीं करता। अब सब कुछ सामने है, कब तक कार्रवाई होगी इसका हमें इंतजार रहेगा। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।